हेलो एंड वेलकम टू MDM ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। MDM हायर एजुकेशन कॉलेज की तरफ से आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम जो है मॉलिकुलर बायोलॉजी में न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे थे। न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमने उसकी स्ट्रक्चर पढ़ ली थी। दो वीडियो जो है हमने इसके ऊपर पहले जो है डाल रखे हैं यूट्यूब चैनल पर। आप जो है अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो कृपया पहले उनको देख लें, क्योंकि इस वीडियो का जो पूरा का पूरा बेसिक्स है वो उन वीडियोस में दिया गया है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो है उसी सीरीज़ में चलते हुए आज जो है अगला लेक्चर हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड जो है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल जो है वो कैसे काम करता है। जो न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो डीएनए होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, इस बात को प्रूव करना पड़ेगा पहले। 1926 या 28 जो है उसके आसपास जो है ये नहीं पता था कि जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये सारी जो थ्योरीज हैं वो आके उसके बाद ये प्रूव हुआ कि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो डीएनए जो है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल एक सेल में प्रेजेंट हो सकता है, या सेल जो है उसमें न्यूक्लियस जो है उसमें प्रेजेंट हो सकता है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो सीधा सेल में पड़ा रहेगा, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में जो है ये डीएनए जो है वो उपस्थित हो सकता है। उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें भी ये जो है प्रेजेंट हो सकता है। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें दो टाइप के जो सेल ऑर्गेनल्स जिनको हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उन दो सेल ऑर्गेनल्स में भी डीएनए जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब ये जो डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल उसका जो होता है तो किस रूप में हो सकता है? वो एक जीन या एक जीन के पार्ट या ग्रुप ऑफ जीन्स के रूप में हो सकता है। ठीक है, वो एक जीन, एक पार्ट ऑफ जीन या एक ग्रुप ऑफ जीन के रूप में प्रेजेंट हो सकता है। डीएनए जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल के रूप में हो सकता है, डीएनए के फ्रेगमेंट के रूप में हो सकता है, और एक ग्रुप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स के रूप में हो सकता है, या पूरा का पूरा जीनोम जो है, पूरा का पूरा जीनोम जो है वो एक डीएनए जो है उसके रूप में हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में उस सेल में, एक जीनोम के रूप में भी। जो डीएनए है वो डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, इस बात को प्रूव करने के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी, अपने एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट से जो है लास्ट में ये प्रूव किया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो उन थ्योरीज में जो है सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेडरिक ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, जो कि 1928 में जो है वो आया था। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल को या इस थ्योरी को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं, और ये किसके ऊपर किया गया, ये जो एक्सपेरिमेंट था ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया जो था उसके ऊपर जो है ये पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट था वो बेस था। ठीक है, अब ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो है इसके बारे में कुछ दो तीन महत्वपूर्ण बातें जो है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात, ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो है ये न्यूमोनिया रोग का रोगकारक होता है। ठीक है, तो ये किसका, न्यूमोनिया रोग जो है उसका रोगकारक बैक्टीरिया जो है वो होता है। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है ये दो स्ट्रेन्स या दो रूपों में या दो प्रभेद में पाया जाता है। ठीक है, इसके दो स्ट्रेन होते हैं, इन दो स्ट्रेन्स को हम जो है एक आर स्ट्रेन और एक जो है हम एक आर स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन जो है, दो टाइप की स्ट्रेन जो है हम इसके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन जो है इन दो स्ट्रेन्स में क्या अंतर होता है पहले उसको जान लेते हैं। ठीक है, ये जो आर लेटर है और यहाँ एस लेटर है, ये आर और एस लेटर जो है वो इसके कोट, जो इसका कोट होता है बाहरी जो आवरण होता है उस आवरण के हिसाब से जो है दिया गया है। अगर मैं आपको इन दोनों के बारे में कुछ बेसिक्स अंतर बताऊं, डिफरेंसेस बताऊं, तो वो डिफरेंसेस जो है वो क्या हो सकते हैं। जो आर स्ट्रेन होता है इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया का जो न्यूमोनिया रोग फैलाता है, उस आर स्ट्रेन की जो सेल, उसका जो कोट होता है, उस बैक्टीरिया का जो कोट होता है वो कोट होता है रफ। ठीक है, रफ कोट प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको जो है
ये जो नाम दिया गया है आर स्ट्रेन, ठीक है, वहीं एस स्ट्रेन जो होते हैं या जो एस स्ट्रेन वाला स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होता है उसका जो कोट है वो होता है स्मूथ, और वो स्मूथ किस कारण होता है, वो स्मूथ होता है मेनली जो पॉलीसेकेराइड है उनकी कोटिंग के कारण, ठीक है, उनकी कोटिंग के कारण, कोटिंग ऑफ पॉलीसेकेराइड, किसकी कोटिंग, पॉलीसेकेराइड की कोटिंग, पॉलीसेकेराइड इसकी कोटिंग के कारण ये जो है स्मूथ दिखता है, इसका जो बाहरी कोट है वो। अगर आगे बात करें इसके बारे में तो जो रफ टाइप के जो स्ट्रेन होते हैं या जो आर स्ट्रेन है, वो आर स्ट्रेन जो है वो नॉन विरुलेंट होता है। वो क्या होता है, नॉन विरुलेंट होता है। नॉन विरुलेंट का मतलब है कि ये जो है ये रोग नहीं फैला सकता, ठीक है, तो ये कैन नॉट कॉज डिजीज। वहीं अगर हम बात करें जो ये एस स्ट्रेन है इसकी, तो एस स्ट्रेन जो है ये विरुलेंट होता है और ये जो है डिजीज कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है, ठीक है। ये दो टाइप के स्ट्रेन्स हैं। अब ये दो टाइप के स्ट्रेन्स जो हैं, अब अगर मान लीजिए किसी इन्फेक्शन जो है वो अगर आर स्ट्रेन का हुआ है तो ये आर स्ट्रेन जो है ये डिजीज़ कॉज नहीं करेगा क्योंकि ये जो है नॉन विरुलेंट होता है। अगर हम वहीं एस स्ट्रेन की बात करें, अगर इन्फेक्शन इसका हुआ तो ये जो है विरुलेंट होता है और ये डिजीज़ कॉज करेगा, ठीक है। इस बात को समझने के लिए कि ये कैसे काम करता है, इस बात को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया माइस के ऊपर, माउस जो चूहा होता है उसके ऊपर। इन्होंने क्या किया, दो टाइप के स्ट्रेन लिए। दो टाइप के स्ट्रेन में ये देखिए आप, यहाँ पर पहले जो है टाइप सेकंड आर लिविंग नॉन विरुलेंट जो है, नॉन विरुलेंट का मतलब जो रोग नहीं फैलाता है, लिविंग और सेकंड आर मतलब ये आर स्ट्रेन लिया गया है, यहाँ आर स्ट्रेन लिया गया है। यहाँ उस आर स्ट्रेन को क्या किया गया, माउस के अंदर इंजेक्ट किया गया, ठीक है। माउस के अंदर इंजेक्ट करने के बाद क्या हुआ, ये जो बैक्टीरिया है ये किसी तरीके की कोई डिजीज कॉज नहीं करता है, तो आपका जो चूहा है जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो आपको वैसा का वैसा प्राप्त हो जाएगा, मतलब ये मरेगा नहीं, ठीक है। अगर ये जो स्ट्रेन है वो हम एस ले लेते हैं, ठीक है, ये लिविंग स्ट्रेन लिया है हमने, आर जो है लिविंग है, यहाँ ये लिविंग स्ट्रेन लिया गया है। वहीं अगर लिविंग एस स्ट्रेन लेंगे हम, जिस आर स्ट्रेन को सेकंड आर बोलते हैं और एस स्ट्रेन को थर्ड एस बोलते हैं, ठीक है, तो ये थर्ड एस जब लिया गया और ये भी लिविंग था और ये वायरुलेंट था, ये वायरुलेंट जो है ये क्या करता है, ये माउस को मार देता है, मतलब इसमें जो है न्यूमोनिया हो गया और माउस जो है वो मर गया, ठीक है। तो इस बात से ये तो सिद्ध हो गया कि आर स्ट्रेन है वो जीवित अवस्था में दिया जाए तो, अगर आर स्ट्रेन जो है आर सेकंड जो है वो अगर लिविंग दिया जाए तो वो लिविंग दिया जाए तो वो क्या करता है, वो डिजीज़ कॉज नहीं करता है, डिजीज़ कॉज नहीं करता है, नहीं करेगा तो क्या होगा, इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि ये जो आपका माउस है, ये चूहा है, ये आपको जीवित प्राप्त हो जाएगा, तो चूहा जो है वो चूहा नहीं मरेगा, ठीक है। अगर वहीं हम अगर हम लेते हैं एस थर्ड स्ट्रेन या थर्ड एस स्ट्रेन, ठीक है, तो जो एस स्ट्रेन है अगर वो लिया हमने, और वो भी किस फॉर्म में लिया, हमने लिया जीवित अवस्था में, ठीक है, लिविंग लिया हमने, तो लिविंग लिया तो ये क्या करेगा, ये डिजीज़ कॉज करेगा, ठीक है, ये डिजीज़ कॉज करेगा तो चूहा क्या है, मर जाएगा, यहाँ तक तो हमने ये पढ़ लिया कि एस जो है वो न्यूमोनिया फैलाने के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एस थर्ड को हमने क्या किया, सबसे पहले
हीट किल्ड किया। हीट किल्ड का मतलब है कि हमने उसको ज़्यादा टेम्परेचर पर रख के उसको उस एस स्ट्रेन को किल कर लिया। किल कर दिया मतलब मार दिया। तो हमने क्या किया, बैक्टीरिया जो है पहले क्या लिया, बैक्टीरिया हमने लिया मरा हुआ, बैक्टीरिया हमने क्या लिया, हीट किल्ड बैक्टीरिया हमने लिया, बैक्टीरिया मरा हुआ है, यहाँ ये ध्यान रखें, ठीक है, बैक्टीरिया मरा हुआ है ना, कि चूहा अभी, पहले चूहा तो अभी हम इंजेक्ट करेंगे तब उसके बाद पता लगेगा। हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया हमने, कौन से था, S3। S3 अगर जीवित था तो वो क्या कर रहा था, चूहा जो है उसको मार दे रहा था, निमोनिया हो रहा था। यहाँ हमने क्या किया, इस हीट किल्ड बैक्टीरिया को लिया और उसको इंजेक्ट किया जब माउस में, तब हमने क्या देखा कि चूहा जो है वो अपनी अपने बिल में जो है घूम रहा है आराम से, उसको कोई बीमारी जो है वो नहीं हुई है, कोई डिजीज नहीं हुई है। तो ये जो चूहा है वो जीवित है, ये क्या है, जीवित है चूहा। अब अगर हम बात करें आगे, हमने क्या किया, आर को तो लिया लिविंग, ठीक है। अब अगली स्थिति में हमने क्या किया, पहली स्थिति में हमने क्या किया, जो थर्ड एस था, थर्ड एस को हमने क्या किया, इसको इंजेक्ट किया। इंजेक्ट किया तो हमने क्या देखा, हमारे पास रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट हमारे पास आया कि चूहा जो है वो जीवित, चूहा जीवित रह गया, ठीक है। अब अगर हमने क्या किया, अगर हम आर सेकंड लेंगे वो लिविंग लेंगे और एस थर्ड जो है वो ये मरा हुआ लेंगे, तो हमने इस बार क्या किया, एक कॉम्बिनेशन लिया। कॉम्बिनेशन क्या लिया हमने, आर सेकंड तो जीवित लिया, ठीक है, और हमने क्या किया, एस थर्ड जो है उसको हमने क्या किया, हीट किल्ड लिया, जो हमने इससे पहले दिया था, ठीक है, हीट किल्ड लिया। अब इन दोनों को हमने क्या किया, एक साथ इंजेक्ट करवाया, एक साथ हमने कहाँ इंजेक्ट करवाया, चूहे में इंजेक्ट कराया, क्योंकि हम इसके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि चूहा जो है वो मर चुका है, चूहे को क्या हुआ, रोग हो गया, चूहे को डिजीज हो गई और चूहा मर गया, ठीक है। अब ये चूहा मर गया तो अब ये किस तरफ इशारा करता है, ये इशारा ये कर रहा है कि आर सेकंड लिविंग था लेकिन एस थर्ड नॉन लिविंग था। अब एस थर्ड जो है उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जिसने आर सेकंड को भी क्या कर दिया, रोगजनक कर दिया, जिस कारण चूहा जो है वो मर गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आर सेकंड और एस थर्ड को जब हमने मिक्स करके दिया, जहां आर सेकंड लिविंग था, एस थर्ड जो है वो मरा हुआ था, उस स्थिति में क्या हुआ कि चूहा जो है वो मर गया उस उन दोनों को एक साथ इंजेक्ट करने से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक ऐसी चीज है आर सेकंड जो है उसको रोगजनक में परिवर्तित कर दिया, उसको क्या किया, रोगजनक में, रोगजनक स्ट्रेन में, रूपांतरित कर दिया गया, रूपांतरित कर दिया गया किसके द्वारा, इस हीट किल्ड एस थर्ड के द्वारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस थर्ड में कोई एक ऐसी चीज है जो इस आर सेकंड को भी क्या कर रही है, रोगजनक बना रही है, ठीक है, इसमें भी कोई एक ऐसी चीज है जो इसको रोगजनक बना रही है। अभी ये पता नहीं लगा है कि डीएनए है या आरएनए है या क्या है, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ये पता लगा है कि एस थर्ड में कोई ऐसी एक ऐसी चीज है जो इस चूहे को मार रही है और आर सेकंड को जो है ये कन्वर्ट कर दे रही है, ये ट्रांसफॉर्म कर दे रही है किसमें, नॉन विरुलेंट से विरुलेंट में। ये तो था इस जो एक्सपेरिमेंट था उसका एक ओवरव्यू, या हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया गया। आपके लिए एक जो है क्वेश्चन रहेगा, यहाँ आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि मान लो इस बार हम क्या करें, रेसिप्रोकल करें, मतलब हम क्या करें, जो आर सेकंड है उसको तो हम ले लें मृत, उसको क्या लें, हम हीट किल्ड ले लें उसको। हमने क्या किया, आर सेकंड को हीट किल्ड ले लिया, और हमने क्या किया, एस थर्ड जो है उसको हमने किया, उसको हमने लिविंग लिया, ठीक है, उसको हमने क्या किया, लिविंग लिया। अगर इन दोनों का कम्बिनेशन जो है वो हम देंगे, इंजेक्ट करेंगे, तो आपको ये बताना है कि चूहे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम इसको इंजेक्ट करवाएं तो चूहे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या चूहा
मरेगा या चूहा जीवित रहेगा, या चूहा जीवित रहेगा, इन दोनों में से एक स्थिति होगी। तो आपको ये बताना है कि कौन सा जो है इनमें से होगा, चूहा मरेगा या चूहा जीवित रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे मेरे को। अब हमने जो है पिछले वाले एक्सपेरिमेंट से ये डिसाइड कर लिया कि एस थर्ड में जो है एक ऐसी चीज़ है जो आपको, जो आपका आर सेकेंड था उसको भी क्या कर रही है, वो रोगजनक बना रही है। अब वहाँ ये ज्ञात हो गया कि एस जो थर्ड है उसमें कोई ऐसी चीज़ है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करने के लिए कि एस थर्ड में वो कौन सी चीज़ है जो इस जो नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया है उसको भी विरुलेंट बना रही है, उस चीज़ को प्रूव करने के लिए ऑसवाल्ड टी अवेरी, मैकलिन मैकार्टी और कॉलिन मैक्लियोड ने एक जो है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दिया 1944 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये डिटरमाइन किया कि जो एस थर्ड जो हमने लिया था, जो एस थर्ड हमने लिया, उस एस थर्ड में जो डीएनए था वो रिस्पॉन्सिबल था उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसको मतलब नॉन विरुलेंट से विरुलेंट बनाने में, ठीक है। इस चीज़ को जो है प्रूव किया गया। अब इस चीज़ को प्रूव कैसे किया गया, इन्होंने क्या किया, जो हीट किल्ड, इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड जो एस थर्ड स्ट्रेन था, ठीक है, उस थर्ड एस स्ट्रेन को इन्होंने क्या किया, अपने प्रयोग में लिया, ठीक है, और उसके ऊपर जो है एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया। मतलब क्या किया कि एस थर्ड को जो है इन्होंने लिया और उस बैक्टीरिया को जिस मीडियम पर डाल दिया गया उसके अंदर कोई एक एंजाइम डाला गया जिससे उसका डीएनए या आरएनए जो है वो अलग हो जाए, मतलब वो पाचित हो जाए और वो डाइजेस्ट होने के बाद ये प्रूव किया जा सके कि डीएनए है या आरएनए है, क्योंकि प्रोटीन तो हो नहीं सकता है। तो ये याद करने के लिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी ने एक प्रयोग किया। उस प्रयोग को हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं। पहले क्या किया गया, पहले एक डीएनए और आरएनए का मिक्सचर लिया गया, ठीक है, एक डीएनए आरएनए का मिक्सचर लिया गया, और उस डीएनए आरएनए के मिक्सचर में जो जो आपके पास हीट किल्ड बैक्टीरिया था उसमें क्या किया गया, डीएनए जो है वो आर बैक्टीरिया में ऐड किया गया। पहले क्या है, आपके पास डीएनए आरएनए का मिक्सचर है, मान लो ये मिक्सचर है, इस मिक्सचर में क्या किया गया, इस मिक्सचर को ट्रीट किया गया आरएनए से। आरएनए से ट्रीट करने पे क्या होगा, ये आरएनए का क्या इफेक्ट है, इसका इफेक्ट ये है कि ये आरएनए क्या करेगा, जो आरएनए है उस इस मिक्सचर में, उस मिक्सचर को ये क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है, आरएनए जो है उसको एलिमिनेट कर देगा, बचेगा क्या, सिर्फ डीएनए बचेगा। अब इस डीएनए को जो, ये जो डीएनए था, इस डीएनए को क्या किया गया, आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया था, जो एस स्ट्रेन के अलावा दूसरे टाइप का नॉन विरुलेंट था, उस आर स्ट्रेन में क्या किया गया, इसको इंजेक्ट किया गया, ठीक है, या ये डीएनए जो है उस आर बैक्टीरिया वाली जो एक ट्यूब थी उसमें डाल दिया गया, ठीक है। अब या जो आपके पास ये ट्यूब थी इसमें डीएनए बच गया, आरएनए तो जो है वो डाइजेस्ट हो गया। अब इसमें क्या किया, आर बैक्टीरिया ऐड कर दिया गया, आर बैक्टीरिया ऐड करने के बाद इसको जो है वो कल्चर मीडिया पर डाला गया, और कल्चर मीडिया पर ग्रो करने के बाद जो है हमें जो रिजल्ट मिले वो ये मिले कि जो हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया था, यहाँ जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया था उस हीट किल्ड एस स्ट्रेन का जो डीएनए है, जो हमने यहाँ हीट किल्ड डीएनए लिया था, उस डीएनए ने क्या किया, इस आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म करके किस में बदल दिया, एस स्ट्रेन में बदल दिया, ठीक है। तो अब जब ये मिक्सचर जो है वो किसी भी माउस में इंजेक्ट करवाओगे तो क्या हो जाएगा, माउस मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो एस स्ट्रेन का डीएनए जो है वो प्रेजेंट है, और वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, उसने आर बैक्टीरिया की सेल्स का यूज करके क्या किया, खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया और विरुलेंट हो गया और रोग फैलाने लग गया, न्यूमोनिया हुआ, तो माउस जो है वो मर गया। अब जो है ये तो डिसाइड हो गया कि डीएनए डालने से जो है ये नॉन विरुलेंट विरुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको रेसिप्रोकल भी देख लेते हैं कि क्या ऐसा, मतलब जो आरएनए जो है उसको ट्रीट करें हम, जो डीएनए जो है उसको ट्रीट करें, डीएनए जो है उसको डाइजेस्ट कर दें, सिर्फ आरएनए जो है उसको बैक्टीरिया में डालें तो क्या ट्रांसफॉर्म होगा क्या। तो इसको देखने के लिए फिर वही एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो लिया गया। इसमें क्या किया गया, ये मिक्सचर है, इस मिक्सचर को क्या किया गया, डाइजेस्ट करवाया गया, किससे, इसको डाइजेस्ट करवाया गया
डीएनएज से। तो डीएनएज से डाइजेस्ट करवाने के बाद क्या हुआ कि आपके पास जो बचेगा मटेरियल वो क्या होगा, डीएनए और आरएनए में से डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा, तब आरएनए बचेगा। अब इस आरएनए वाली ट्यूब में क्या किया हमने, बैक्टीरिया ऐड कर दिया। कौन सा बैक्टीरिया, वही आर बैक्टीरिया जो हम इससे पहले ले रहे थे। वो आर बैक्टीरिया जब हमने ऐड किया तब क्या हुआ, ये जो कल्चर मीडिया पर डालने के बाद जो है इसको देखा गया, और इस मिक्सचर को अगर आप माउस में इंजेक्ट करवाओगे तो क्या होगा, माउस नहीं मरेगा क्योंकि कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेंट्स जो है वो प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मेंट्स प्राप्त नहीं हुए, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका बैक्टीरिया, जो रोगजनक बैक्टीरिया था, वो रोगजनक बैक्टीरिया जो है उसमें डीएनए जो था वो एक ऐसा मटेरियल था जो इस नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया को विरुलेंट बैक्टीरिया में बदल दे रहा है, ठीक है। अब ये विरुलेंट बैक्टीरिया में बदलने का कारण जो है वो डीएनए है, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया। इसके बाद जो है हमने एक एक्सपेरिमेंट और पढ़ना है, वो एक्सपेरिमेंट है अल्फर्ड हर्से का, ठीक है। इसको हर्से और चेज एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं ये फोटो अल्फर्ड हर्से की है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरियोफेज के ऊपर ये प्रयोग जो है वो करना स्टार्ट किया। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है। अगर मैं आपको बताऊं, ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया को खाता है। बैक्टीरिया को खाने का मतलब है बैक्टीरिया के अंदर रहेगा और उसकी सेल को लाइज करके, उसकी सेल की सेल वॉल तोड़ के उसको मार देगा और अपनी जो संख्या है उसको बढ़ा सकता है, ये इसकी ये विशेषता होती है। ये T2 बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। ये T2 बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, जो बाहर का कोर होता है वो प्रोटीन का बना होता है और इसका जेनेटिक मटीरियल जो है वो क्या होता है, इसका जेनेटिक मटीरियल जो है वो होता है डीएनए। जेनेटिक मटीरियल जो है वो क्या है, डीएनए। और इसका कोर जो है वो किससे बना हुआ है, कोर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये प्रोटीन का बना हुआ कोर है और इसके अंदर का जो जेनेटिक मटीरियल है वो डीएनए है। अब जब ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो है एक बैक्टीरिया लिया गया, इकोलाई के ऊपर ये प्रयोग जो है वो मेनली किया गया, और इसमें जो है इसका जो, अब हमने आरएनए को तो निकाल दिया, हमने डीएनए को रख लिया। अब ये भी हो सकता है कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, तीन चीज़ें सी, एक को हमने इलिमिनेट कर दिया, एक हमने निकाल दिया कि आरएनए जो है वो नहीं है एक जेनेटिक मटेरियल, डीएनए है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि डीएनए के साथ साथ प्रोटीन भी हो। तो इस चीज़ को, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट जो है वो डिज़ाइन किया गया 1953 में। इस एक्सपेरिमेंट को जो है वो हर्से और चेज ने जो है डिज़ाइन किया था। आइए देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कैसे होता है। अगर मैं बात करूं T2 बैक्टीरियोफेज की, तो ये T2 बैक्टीरियोफेज जो है वो दो कंपोनेंट्स का बना होता है। दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो है इसमें डीएनए और दूसरा है प्रोटीन, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, दो रेप्लिकेट्स जो है बनाए, इसके दो टाइप के जो बैक्टीरियोफेज है वो डेवलप किए। एक तो वो बैक्टीरियोफेज जिसमें डीएनए जो है उसको लेबल किया गया। देखिए, जब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि डीएनए जो है वो तीन कंपोनेंट से बना होता है, जो न्यूक्लियोटाइड जो है, क्योंकि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोटाइड में तीन टाइप की जो चीज़ें हैं वो प्रेजेंट होती हैं। एक तो होता है उसमें सल्फर जो फॉस्फोरिक एसिड के रूप में होता है, ठीक है, सॉरी, एक तो होता है उसमें फॉस्फोरस जो फॉस्फोरिक एसिड के रूप में होता है H3PO4, एक होता है उसमें नाइट्रोजीनस बेस और एक होती है उसमें पेंटोज शुगर। ये तीन चीज़ें होती हैं। और जो प्रोटीन होते हैं उन प्रोटीन्स में क्या मिलता है, प्रोटीन में आपको सल्फर मिलता है, ठीक है। तो ये सल्फर जो है ये प्रोटीन में, तो इस सल्फर को लेबल किया गया। लेबल कैसे किया गया, इसका जो रेडियो एक्टिव जो जो आपका फॉर्म है वो लिया गया, इधर 32 जो P32 है, फॉस्फोरस का भी एक रेडियो एक्टिव फॉर्म जो है वो लिया गया, ठीक है। इन दोनों को लेने के बाद क्या किया गया, ई कोलाई बैक्टीरिया को जो है इनसे इन्फेक्ट करवाया गया, मतलब T2 बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई की सेल के ऊपर जो है आपने क्या किया, ग्रो करने दिया। उसके बाद क्या होगा, जो P32 है वो जो है आपको प्रोजेनी में मिल जाएगा, लेकिन S35 जो है वो नहीं मिलेगा। ये बात जो है इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाएगी। प्रूव कैसे होएगी, चलिए देखते हैं। इसमें क्या था, इसमें आपने डीएनए जो है, अगर आप डीएनए जो है, अच्छा इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं पहले। मैकेनिज्म क्या होता है कि क्यों ये हो जाता है, ऐसा क्यों होता है कि आपको जो है डीएनए मिलेगा और प्रोटीन नहीं मिलेगा। उसका कारण ये है कि बैक्टीरियोफेज, मान लो ये ईकोलाई की सेल है, बैक्टीरियोफेज का क्या सिस्टम होता है कि बैक्टीरियोफेज इसके ऊपर आएगा, ठीक है। बैक्टीरियोफेज इसके ऊपर आने के बाद क्या है, ये
अपना डीएनए जो है, ये मान लो इसका डीएनए है, अपना डीएनए क्या करता है, ये इंजेक्ट करवा देता है। किसमें इंजेक्ट करवाएगा? ये डीएनए जो है ये इंजेक्ट करवा देगा इस ई कोलाई की सेल के अंदर। तो ये डीएनए जो है यहाँ से चल के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और बाकी का जो सारा का सारा पार्ट है वो कोट है, हालांकि इसका प्रोटीन का बना हुआ, वो क्या है, कोट बाहर ही रहता है। तो अब क्या होगा, ये ई कोलाई की मशीनरी का यूज़ करेगा, जो रेप्लिकेशन मशीनरी है उसका यूज़ करेगा और रेप्लिकेशन करवाएगा। रेप्लिकेशन होने के बाद क्या होगा, ये जो ई कोलाई की सेल है इसके अंदर बहुत सारे जो डीएनए पार्ट्स जो हैं वो बन जाएंगे, वो बहुत सारी कॉपी जो है वो बन जाएंगी। अब ये कॉपी जो है ये क्या करेगी, ट्रांसलेशन करेगी, मतलब पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए बनेगा, उसके बाद ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होने के बाद क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। और प्रोटीन कौन सी प्रोटीन बनेगी, जो इसका कोट है वो बनेगा। तो कोट बनेगा तब क्या होगा, यूं कोट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये जो बैक्टीरियोफेज है ये इस कोट, ये अपना डीएनए जो है इस कोट में ऑर्गेनाइज होके और ये इस सेल को लाइज कर देगा। ये सेल जो है इसकी जब भित्ति टूटेगी तब क्या होगा, ये जो बैक्टीरियोफेज है ये आपको बाहर मिल जाएगा जैसा पहले था, ठीक है। और इस बैक्टीरियोफेज में आपको वो वाला डीएनए मिल जाएगा जो आपने इंजेक्ट करवाया था, ठीक है। तो लेकिन कोट जो है उसको चेक करने के लिए कि कोट वही है या कोट नया बना है, इसको चेक करने के लिए जो है प्रोटीन को लेबल करना पड़ता है। मान लीजिए हमने क्या किया, प्रोटीन को लेबल किया, इस बार हमने एक दूसरा बैक्टीरियोफेज लिया जिसका प्रोटीन लेबल्ड है, ठीक है। ये मान लो प्रोटीन लेबल्ड है इसका, ये इसका प्रोटीन जो है वो हमने लेबल कर रखा है, ठीक है। और इस बैक्टीरियोफेज में डीएनए जो है वो नॉर्मल है, डीएनए जो है वो नॉर्मल है। अब डीएनए अंदर क्या जाएगा, सिर्फ डीएनए जाएगा, डीएनए की क्या बनेगी, कॉपीज़ बनेंगी। मान लो ये डीएनए की कॉपीज़ बन गई यहाँ। अब ये डीएनए की कॉपीज़ बनने के बाद क्या होता है, जो प्रोटीन कोट है वो बनना स्टार्ट होता है। और प्रोटीन कोट क्योंकि इस डीएनए से बन रहा है और बाहर जो है ये रह गया, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन कोट हमेशा नया बनेगा। और नया बनेगा किसकी मदद से, नया बनेगा वो इस जो डीएनए बना है इसकी मदद से। तो आपको जो मिलेगा बैक्टीरियोफेज मिलेगा, वो आपको ऐसा बैक्टीरियोफेज मिलेगा जिसमें न तो डीएनए लेबल्ड होगा और ना ही प्रोटीन लेबल्ड होगी, क्योंकि डीएनए जो है वो पहले से लेबल नहीं था, प्रोटीन का कोट जो लेबल था वो बाहर ही रह गया, प्रोटीन का कोट हमेशा नया बनता है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है इन्होंने करवाया था। चलिए देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को कि कैसे जो है करवाया गया। ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देखिए, पहले जो है पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है रेडियो एक्टिव जो लेबल T2 बैक्टीरियोफेज है उनका। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोटीन का कोट जो है, उस प्रोटीन के कोट को हम जो प्रोटीन का कोट है उसको क्या करते हैं, लेबल कर लेते हैं, ठीक है। या पहले डीएनए लेबल किया हुआ है इसमें, तो पहले क्या किया, डीएनए को लेबल कर लिया। ये देखिए डीएनए को लेबल कर लिया यहाँ, और नए टाइप का जो डीएनए है वो आपके पास पड़ा है, ठीक है। ये P32 डीएनए है, इसका कलर और इसका कलर जो अलग दिखाया गया है, ये सिर्फ कलर डिफरेंस इसलिए है कि आपको पता लग सके कि कौन सा रेडियो एक्टिव है और कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है। दूसरी जो दूसरा डायग्राम है उसमें देखिए आप, ये प्रोटीन का कोट है उसको रेडियो एक्टिव बनाया गया है। कैसे रेडियो एक्टिव बनाया, इसमें सल्फर जो है उसका S35 जो है वो डाल दिया गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद एक्सपेरिमेंट जो है उसको परफॉर्म किया गया ई कोलाई की सेल के ऊपर। ये जो आपका रेडियो लेबल्ड डीएनए जो था जिसमें P32 प्रेजेंट है, उसको जो ई कोलाई की सेल के ऊपर छोड़ा गया। जब इस बैक्टीरियोफेज ने इसके ऊपर इन्फेक्शन स्टार्ट किया, उसके बाद अपनी कॉपीज़ बनाई, कॉपी बनने के बाद जो है जो प्रोटीन कोट बने, वो प्रोटीन कोट जो है वो बाहर ही रह गया और उसको अलग से प्राप्त कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो S35 जो प्रोटीन था, उस S35 प्रोटीन से जो आपका बैक्टीरियोफेज लेबल्ड था, उस बैक्टीरियोफेज को भी ई कोलाई के ऊपर इन्फेक्शन जो है करवाया गया। उसके बाद ब्लेंड किया गया, तो आपको कोट जो है दोनों के अलग अलग कोट जो है वो आपको बाहर प्राप्त हो जाएंगे ब्लेंड करने पर, क्योंकि कोट जो है उस ई कोलाई की जो सेल वॉल है उसके ऊपर चिपके रह जाते हैं। जब हम ब्लेंड करेंगे उसको तो क्या होगा कि ये जो आपको कोट है वो मिल जाएंगे। अब इसके बाद जो है क्या हुआ, इसके बाद जब हमने ये वाला जो ये जो आपके डीएनए जो लेबल्ड बना था, इस डीएनए में क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोटीन बनेगी, जब भी एक बैक्टीरिया जो है उसको ये जो इन्फेक्ट करेगा, तो इसके अंदर जो डीएनए होगा, मान लो ये वाला डीएनए है इसके अंदर, ये जो डीएनए इसके अंदर पड़ा है, ये डीएनए जो है ये क्या करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा। तो डीएनए ने बहुत सारी कॉपी बना ली। अब इस डीएनए के पार्ट से क्या होगा, पहले क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, ठीक है, और उस आरएनए से क्या होगा, प्रोटीन बनेगी।
तो प्रोटीन का कोट जो है वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, नया मिलेगा हर एक बार, जब भी आप, चाहे आपके पास रेडियो एक्टिव रेडियो लेबल डीएनए है, चाहे आपके पास रेडियो लेबल डीएनए नहीं है, आपको हर बार क्या है प्रोटीन का कोट नया ही मिलेगा। तो अगर इसको चेक करोगे आप, तो जहां आपने रेडियो एक्टिव डीएनए डाला था वो रेडियो एक्टिव डीएनए आपको वापस से, जब आप लास्ट में एक्सपेरिमेंट के लास्ट में ये वाला जो स्ट्रक्चर देखोगे आप, जब ये डीएनए जो है अपनी अपनी जो प्रोटीन कोट है वो बना के निकलेगा, तो इस प्रोटीन कोट के साथ जो बैक्टीरियोफेज होगा उसमें प्रोटीन तो नया होगा हमेशा, और डीएनए जो है वो पुराना होगा। डीएनए पुराना क्यों होगा? क्योंकि डीएनए जो है वो ही जेनेटिक मटीरियल है, ये इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया। प्रूव कैसे हुआ? क्योंकि हमें रेडियो एक्टिव डीएनए तो मिल रहा है जब इस एक्सपेरिमेंट को हम लास्ट में ले जा रहे हैं तब, लेकिन हमें प्रोटीन जो है रेडियो एक्टिव नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बाहर ही रह गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये ज्ञात हो गया कि प्रोटीन भी जेनेटिक मटीरियल नहीं है, जेनेटिक मटीरियल क्या है? डीएनए ही है। तो इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स जो हैं, ये जो हमने दो तीन एक्सपेरिमेंट पढ़े, इन एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स जो हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हमने जो पढ़ा कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। किस में पढ़ा हमने? ग्रिफिथ का जो 1928 में एक्सपेरिमेंट आया और एवरी का 1944 में जो एक्सपेरिमेंट आया, उन दोनों एक्सपेरिमेंट से ये ज्ञात हो गया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और अरसे और चेज का जो 1953 में एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने देखा था, उसमें ये प्रूव हो गया कि डीएनए जो है वो ही एक एजेंट है जो आपका जो हेरिडिटरी है या जो अनुवांशिक जो ट्रेट्स हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जा रहा है, क्योंकि आपको डीएनए जो है वो हर बार वही मिलेगा जो आपने डाला था, प्रोटीन जो है वो हर बार नया मिल रहा है। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से ये जो इन तीनों एक्सपेरिमेंट से ये ज्ञात हो गया कि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटीरियल है। डीएनए इज ए जेनेटिक मटीरियल, नाइदर द प्रोटीन नॉर आरएनए। तो इन एक्सपेरिमेंट के बाद जो है ये ज्ञात हो गया कि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटीरियल है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, हमने ये प्रूव कर दिया है कि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटीरियल है। इसके बाद वाली क्लास में जो है हम डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जो है आप ये क्लास देखिए, इससे पहले वाली दो तीन क्लासेस जो है वो भी देख लीजिए, ताकि आपको बेसिक समझ आ जाए और आपको रेप्लिकेशन समझने में आसानी हो। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।